आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, यहां पे हाइपरबोला का एक प्रॉब्लम दिया है, हम उसको सॉल्व करेंगे। यहां पे दिया है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोसाइन ऑफ द हाइपरबोला x²/9 - y²/16 = 1। तो यहां पर हमें हाइपरबोला का एक इक्वेशन दिया है, हमें उसका फोकल पॉइंट जो है उसका कोऑर्डिनेट्स ढूंढना होगा। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, जो हाइपरबोला का जनरल फॉर्म होता है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जनरल फॉर्म कौन से यूज करेंगे, x²-a²-y²/b²=1, ये हाइपरबोला का जनरल फॉर्म होता है। और अगर ये हमारा जनरल फॉर्म है तो हमें कोसाइन का मतलब फोकल पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट मिलेगा इस इक्वेशन के लिए हमें मिलेगा ±ae,0। तो ई क्या होता है, ई हाइपरबोला का यहाँ पर एसेंट्रिसिटी वैल्यू होगा। ई की वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, ई की वैल्यू को हम लिख सकते हैं e√1+b²/a²। अब इसके साथ हम a मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ए का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ पर रूट के बाहर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के अंदर हम a² से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्चुअली, तो यहाँ पर स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो b² मिलेगा। तो ए का वैल्यू आ गया √2/2। अब इस इक्वेशन को इसके साथ अगर इक्वेट किया तो हमें a²b² का वैल्यू क्या मिलेगा, a²=9 और यहाँ पर b² का वैल्यू मिल रहा है 16। तो इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा a√2/2² का वैल्यू आया था 9 + 16, ये वैल्यू है √25, तो हमें 5 मिला। तो ए का वैल्यू 5 मिला है। तो इस इक्वेशन में यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स है इसमें प्लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, +-5,0। यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन 2 में वही दिया है तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।